दो सालों में मोर देन मिलियन जस्ट स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। अनस्किल्ड लेबर की जो रेशो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ही मूव्स टू क्रैक डाउन ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स टू रिड्यूस द इमिग्रेशन। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ ज़र खान एंड आई एम अ स्टूडेंट करंटली लिविंग इन यूके। गाइस, मैंने रिसेंटली आपको रिसेशन के बारे में बताया था यूके में जो चल रहा है, और मैंने बताया था कि यहाँ पर कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ के रेट्स बढ़ गए हैं, और यहाँ पर इवन अगर स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर जो है ना हालात मुश्किल हो रहे हैं। क्योंकि मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम पड़ रही हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन ढूंढना वो मुश्किल हो रहा है, और मतलब सर्वाइवल एक तरह से देखा जाए ना तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं यहाँ पर, और हैं ऑलरेडी हैं चल रहे हैं यहाँ पर। सो द थिंग इज़ नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस करंट स्टेटमेंट फ्रॉम द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक। Like he moves to crack down on foreign students to reduce the immigration. Rishi Sunak is considering putting up barriers on international students because like they are bringing their dependents, जो कि unskilled होते हैं, और उसके अलावा like they take admission in low quality degrees in a bid to reduce migration, net migration, because net migration जो है वो एक दो सालों की like it has reached to its highest level. एक दो सालों में मोर देन मिलियन जस्ट स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। इनकी जो होम सेक्रेटरी हैं सोहेला ब्रेमन, उन्होंने भी रिसेंटली कहा था कि एक एप्लीकेंट होता है, एक स्टूडेंट होता है, और उसके साथ तीन चार डिपेंडेंट्स आ रहे होते हैं और वो अनस्किल्ड होते हैं। तो इसी तरह अनस्किल्ड लेबर की जो रेशो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी लो क्वालिटी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं। बाय सीइंग लो क्वालिटी डिग्री इज़ लाइक यू नो वो डिग्री जिसमें जिस पे ये लोग करियर में अपना परस्यू नहीं करते, और अगेन अनस्किल्ड प्रोफेशन में ही ये लोग अपने आप को परस्यू करते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनएटिकेट यूनिवर्सिटीज़ का जो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, मैं न्यूज़ यहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने जो मेरिट्स हैं काफ़ी डिक्रीज़ कर दिए। पहले वो लोग उन्होंने उनका मेरिट था कि आइल्स में इतने स्पेसिफिक बैंड्स होने चाहिए तो एडमिशन देंगे, अब उन्होंने वो डिक्रीज़ कर दिया। अब बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑक्सफोर्ड टेस्ट पे भी एक्सेप्ट कर लेती है, वो नहीं तो इंग्लिश सेट, वो नहीं तो फिर इनके अपने जो इंग्लिश टेस्ट है वो उस पर भी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही हैं। इवन के ब्रायन बेल, द चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, हैज़ ऑल्सो क्वेश्चन दिस कंसिडरेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जिसमें ब्रिटिश स्टूडेंट्स की फ़ीस बहुत कम होती है, तो वो जो वो लॉस है वो वहाँ से फिल आउट करते हैं जब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो ही सेज लाइक, और क्रिटिक्स भी यही कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे अगर आप बैरियर लगा दोगे, अगर आप उनको नहीं आने दोगे, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो है वो बैंक करप्ट हो जाएंगी। तो ये एक सारा सिनेरियो चल रहा है, तो लेट्स सी कि ये कब तक और कहाँ तक रहते हैं, और ये इसका क्या आउटकम है, उसका क्या कंक्लूजन क्या है और क्या होगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो आई विल डू लेट यू नो गाइस अबाउट इट। यार देखो, द थिंग इज़ आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, या मेरा बिल्कुल मकसद नहीं कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँ। इनफैक्ट आपके दिल में सवाल इस टाइम यही होगा कि यार हम जो बहुत से जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते यार। सो इट कम्प्लीट डिपेंड्स कि आपको कैश लेटर मिल गया है, इशू हो गया कि नहीं हुआ। इफ़ कैश लेटर आपको इशू हुआ है, देन इट शुड नॉट bother you or it should not be any issue for you, because आप बस जल्दी से अपना वीज़ा अप्लाई करो, हो सके तो प्रायोरिटी सर्विस पे आप अपने वीज़ा अप्लाई करो कि जल्दी से आपको मिले और पहले फुर्सत में यहाँ पर आ जाओ। और जिनको कैश इशू नहीं हुआ, आई होप कि आपको भी इशू हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर कल बोल दिए तो वो आज इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। लाइक ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, तो हो सकता है जो मई सेशन के लिए स्टूडेंट्स आ रहे उनको ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़े, बट फॉर जनवरी इनटेक आई डोंट थिंक सो कि ये लोग एकदम से इस तरह स्टूडेंट्स को रोक देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। बट अगेन इट डिपेंड्स, इनके रूल्स हैं और इनके जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी भी ट्विस्ट कर जाती हैं, कभी भी चेंज हो जाती हैं, तो यू नेवर नो। बट कोशिश करो, जिनको कैश इशू हो चुके हैं वो जल्दी से वीज़ा अप्लाई करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। और यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और सपोर्ट करो, बिकॉज मैं ये वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ही गैदर कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प आउट कर सकूँ। सो डू सब्सक्राइब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।